कॉम्प्लीमेंट व्हेन द प्रीडिकेट कंटेन्स वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेट इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन इट रिक्वायर्स अ वर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग सो द वर्ड विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. बोल रहे हैं कि प्रीडिकेट अगर पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, उसमें जो वर्ब है वो इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन की हो, तो क्या होता है, उसे फुलफिल करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो कि समझाए प्रीडिकेट को अच्छे से, ठीक है, दर्शा सके, एलैबोरेट कर सके पूरे सेंटेंस को. द मेन वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन आर बी, सीम, अपीयर, लुक, बिकम, ग्रो, फील, एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हो गई आपकी. ये जो है क्या है, वर्ब तो है पर समझा नहीं पा रहा कुछ को भी, है ना. सीम मतलब दिखा, दिख रहा है पर कैसा दिख रहा है, मतलब कैसा दिख रहा है ये नहीं बताना ना. सीम्स, ही सीम्स, तो सीम्स टू बी तो कुछ समझ में नहीं आना. ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन, तो अब समझ में आया पूरी बात अच्छे से, है ना. अपीयर, अब देखिए अपीयर का पूरा कुछ मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा. ही अपीयर, तो भाई अपीयर क्या होता है, हैं, अपीयर मतलब दिखा पर कैसा दिखा ये नहीं समझ में आ रहा ना. वैसे लुक, लुक का भी ऐसे मतलब है, कैसा लुक हो रहा है उसका नहीं पता लग रहा इससे. बिकम, वो बन गया. ही बिकम मतलब ही विल बिकम बोल दिया हमने, तो ये बनेगा पर कैसा बनेगा ये तो बताना जरूरी है, तभी तो कंप्लीट मीनिंग बनेगी. तो बिकम के आगे जो लगेगा वो उसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो ही विल बिकम अ डॉक्टर, तो वो इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट, डॉक्टर. आगे ग्रो, फील, तो ग्रो हुआ पर क्या ग्रो हुआ, कैसे ग्रो हुआ, क्या ग्रो के क्या बनेगा ये सब बताना जरूरी है. फील तो समझ में नहीं आया क्या फील हो रहा है, ये जरूरी है ना बताना. और देखिए और अच्छे समझ में आगे डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट में, अ वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. जो भी इनट्रांजिटिव वर्ड वर्ब्स को कंप्लीट सेंस दे या फिर कंप्लीट मीनिंग दे, उसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि पहला है आपका नाउन, फॉर एग्जाम्पल मिसेस सिन्हा इज अ टीचर, तो टीचर हो गया आपका. अगर खाली लिखते हैं मिसेस सिन्हा इज अ तो क्या है मिसेस सिन्हा, तो जवाब है टीचर, ये हो गया उनका कॉम्प्लीमेंट. ऐसी एडजेक्टिव, द पीकॉक लुक्स अट्रैक्टिव, खाली लिख देते द पीकॉक लुक्स, तो पीकॉक दिख रहा है पर कैसा दिख रहा है बताना जरूरी है ना, कंप्लीट सेंस नहीं बना इसलिए अट्रैक्टिव लगा दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही है. वैसे प्रोनाउन, द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, तो दिस लगा दिया तो दिस हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट. वैसे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, द बुक अपियर्स इंटरेस्टिंग, खाली लिख देता द बुक अपियर्स, तो बुक दिखा पर क्या दिखा, कैसा दिखा बुक, ये भी बताना जरूरी है तभी तो कंप्लीट सेंस बना. द बुक अपियर्स इंटरेस्टिंग. टू इन्फिनिटिव, अनंत वाली चीज है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो ठीक है अगर खाली लिख देते द ट्रेन इज अबाउट, ट्रेन होने वाली है, क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, बंद होने वाली है, चलने वाली है, रुकने वाली है, कुछ समझाना जरूरी है ना, या आने वाली है, जाने वाली है. द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो टू स्टार्ट जो लगा दिया इसका कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए, उसको पूरी तरह से मीनिंग देने के लिए. एडवर्ब में क्या है, वाटर इज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट. वैसे ही फ्रेज में देख लिया क्या हो सकता है, माई फादर इज इन द रूम, इन द रूम, ये आपका कॉम्प्लीमेंट. सेकंड देखिए काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कितने तरह के काइंड कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, दो तरह के होते हैं. फर्स्ट हो गया आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ए में देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड टू रिफर और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जैसे ही लुक टायर्ड या अमित इज माई फ्रेंड, ये होगा ना सब्जेक्ट, उनका कॉम्प्लीमेंट है. वैसे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कि जिसमें ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करा गया उसमें. They named the baby girl Alice, ठीक है, तो baby girl object थी, उसे describe करा Alice नाम देकर. We elected him, him है आपका object, इसको describe करा क्या, our president. I considered Rahul, Rahul है आपका object, क्या consider करा हमने Rahul को, a smart boy. आगे देख ले working zone, fill in the blanks with suitable objects, objects डाल दिए. They insulted him लिख दिए, ये उसका object हो गया. She planned The wedding, तो the wedding हो गया आपका ऑब्जेक्ट. और आपका अब ये देख लिया सेकंड है आपका he killed that person, ठीक है, that person लिख दिया, वो ऑब्जेक्ट हो गया. फोर में है we intend to do good, ठीक है, हमारी जो है मनोकामना क्या थी, हमारी नियत क्या थी, we intend to do good.
कि हमारी जो है उम्मीद है कि हम अच्छा काम करें. आई एक्सपेक्टेड हिम टू लीव. ठीक है, अब हिम टू लीव में जो है ना, टू लीव जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, और हिम जो है आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई एक्सपेक्टेड हिम टू लीव, तो यहाँ पे पूरा लिखिएगा हिम टू लीव, पर हिम जो है उसमें अंडरलाइन कर दिएगा, वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट. आगे आई हेट हिम, ठीक है, तो हिम हो गया आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट. सेवन में द चिल्ड्रन लव्स लव, चिल्ड्रन लव चॉकलेट लिख दिए. ठीक है, चॉकलेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट. आई कैन स्पीक लिख दिए, स्पेनिश लिख दिए या फिर हिंदी लिख दिए या लिख दिए इंग्लिश, जो भी लिखना आपको, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट. नाइन्थ में शी एक्सप्रेस्ड, एंगर लिख दिए यहाँ पे एंगर. ठीक है, एंगर लिख दिए, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ही एक्सप्लेन्ड मी लिख दिए, ही एक्सप्लेन्ड मी, मी हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे. ठीक है, इतना कर लिया आप, बाकी के कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये क्लिक करके फोटो मेरे पास सेंड कर दिया, आपका होमवर्क है, और इसे रिवाइज कर लिएगा अच्छे से.